हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वन प्लस लॉन्चर के बारे में। इसका जो नया अपडेट है वो नए फीचर्स के साथ में आपको हैप्टिक फीडबैक के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके डिवाइस पर काफ़ी कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। परंतु ये पूरी तरह से अभी देखने को नहीं मिलता है 7 और 8 सीरीज पर, परंतु मैंने वन प्लस 9 सीरीज पर यूज़ किया वन प्लस 9 के साथ में, तो ये मुझे पहले बार में ही काफ़ी कुछ अच्छा फील दिया। यहाँ पर मैं दोनों ही डिवाइसेस पर आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ कंपेरिजन देखने को मिलता है और ये कितना ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, क्या आप इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करा सकते हैं। अभी ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं, मेरे पास वन प्लस 9 स्मार्टफोन है। इस पर मैंने यहाँ पर अपडेट करने के बाद में देखा तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अचंभा हुआ मुझे। मुझे लगा कि ये फीचर्स केवल वन प्लस 9 पर ही अवेलेबल है, वन प्लस 7 और 8 सीरीज पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं क्या? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जब मैं वाइब्रेशन महसूस किया, वो ब्राइटनेस को मैं कम या ज़्यादा कर रहा था, तो उस दौरान मैंने देखा यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक की तरह ही देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम फील की। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं किसी एप्लीकेशन को रिसेंट बार में स्विच करता हूँ, उस दौरान भी यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की लगती है। साथ में अगर आप किसी एप्लीकेशन पर होल्ड एंड टैप किए रहते हैं, उस दौरान भी आपको एक वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है, जो कि आपको हैप्टिक फीडबैक के तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। लॉन्चर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स लगभग आपको वाइब्रेशन पर देखने को मिलती हैं, परंतु कुछ सेटिंग्स अभी भी हैं जो कि वाइब्रेशन पर नहीं हैं। आने वाले समय में आपको लॉन्चर पर हो सकता है सब कुछ वाइब्रेशन पर देखने को मिले। परंतु अगर मैं बात करूँ वन प्लस 70 स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रीसेंट बार में जब आप जाते हैं, ऐप स्विच करते हैं, उस दौरान हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है हल्का सा। परंतु अगर आप कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन पर दबाते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर जब ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं उस दौरान आपको कोई भी हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता है। इसके लिए आपको आने वाले अपडेट्स के लिए वेट करना होगा, जो कि फ़िलहाल में एक पब्लिक बिल्ड नहीं है, ये एक बीटा बिल्ड है जो आप अपने डिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अभी कुछ चीज़ों में आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है। जो वर्जन है वो आपको दिखा दूँ तो 5.2.18 देखने को मिल जाता है। इसी के साथ वन प्लस 9 पर जो लॉन्चर है उसका अगर मैं आपको वर्जन दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसका जो वर्जन है 5.1.1.0 देखने को मिलता है, परंतु वही फीडबैक इस पर देखने को मिलता है। इस पर देखने के लिए आपको अपडेट कराना होगा। इसके लिए ये जो अपडेट है वो पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ है, वो एक बीटा बिल्ड है। उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वो लिंक के द्वारा आप जब उसे ओपन करेंगे तो वो लिंक आपको कुछ इस तरीके से ओपन देखने को मिलेगी। आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा एपीके मिरर का। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सी मोर डाउनलोड पर टैप करते हुए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगा। आपको नीचे की तरफ जाना है, उस पर टैप करना है, ऐड को आप यहाँ से स्किप कर देंगे और नीचे की तरफ जाते हुए आप यहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि लगभग 57 MB का देखने को मिल जाता है। इसको मैं डाउनलोड करने के लिए एक और लिंक दे दूंगा सिंपल सी, जिस पर आपको डायरेक्ट टैप करके मेगा के द्वारा आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, तो वो 60.69 MB का देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इसे कुछ इस तरीके से टैप करके इंस्टॉल करा देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये डन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको डन कर देना है, बैक आ जाना है। अब आप इसका पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हैं हैप्टिक का, और आने वाले समय में जो भी इसके लॉन्चर के अपडेट आएंगे वो आपको गूगल प्ले स्टोर के द्वारा अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपको जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराता है, ऐसा लुक एट लाइट आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।